पिछले कई दिनों की बारिश तथा ड्रेन टूटने के कारण कुरुक्षेत्र के कई कॉलोनियों में पूरी तरह से पानी भर चुका है। लोगों को मकान खाली करने पड़ रहे हैं। बाढ़ से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये शब्द प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र दीदारनगर शांतिनगर नरकादारी रोड का दौरा करते हुए वहां के हालातों को दिखाते हुए कहे। उन्होंने कहा कि बेशक प्रकृति के सामने किसी का जोर नहीं चलता, मगर किसी भी आपदा से निपटने की तैयारी तो पहले ही करनी पड़ती है। पिछले चार दिन से ड्रेन टूटी होने के कारण शहर में लगातार पानी भरता जा रहा था, मगर ड्रेन की मरम्मत की कोई ठोस कार्रवाई प्रशासन और सरकार ने नहीं की। मरम्मत के लिए मनरेगा के मजदूरों को भेजना भी एक शर्मिंदगी की बात रही, क्योंकि ये काम उनके बस का था ही नहीं। कार्रवाई के रूप में स्थानीय सांसद तथा विधायक फोटो खिंचवाकर चलते बने, जबकि टूटी हुई ड्रेन को ठीक करने का कोई ठोस प्रयास नहीं किए जाने के कारण कुरुक्षेत्र लगातार पानी में डूबता जा रहा है। शुक्र यह है कि अब तक केवल लोगों की धन संपत्ति की हानि हुई है, जान सुरक्षित है। हालात यही रहे तो अंदर शहर में भी पानी भरने का खतरा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को तुरंत प्रभाव से टूटी हुई ड्रेन को ठीक करना तथा बाहरी पानी को आने से रोकना चाहिए। इस वक्त नरकातारी जोगनाखेड़ा नरकातारी रोड कुरुक्षेत्र दीदारनगर शांतिनगर में पानी भर चुका है तथा पानी का बहाव लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सरकार के साथ हर प्रकार की सहायता के लिए तैयार है। ये देखिए, हम पहुंचे हैं शांतिनगर और दीदारनगर की, जहां से शुरुआत होती है, गली नंबर एक कह सकते हैं इसको, और यहाँ के हालात आपके सामने हैं। जो गली थी वो नदी का रूप आपने ले लिया। पानी का बहाव बहुत तेज है, मुझे चलने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पानी का बहाव बहुत तेज है। और काफ़ी यहाँ पर कॉलोनी के साथी यहाँ पर खड़े मन से रूबरू करवाना चाहता हूँ। और मेरे सामने लक्ष्मीकांत शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता है और अधिकारी है, प्रवक्ता है और अच्छे पद पर है, तो मैं इनसे बात करना चाहूँगा। जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए भाई, कहने की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर जो इस वक्त हम तुम्हारे ये माहौल जो देख रहे हैं, पिछले चार दिन से खबरें आ रही थी कि ड्रेन सिस्टम टूटा हुआ है, पानी का बहाव तेज है, जिस तरह से पिछले तीन दिन में बरसात हुई है, उसको देखते हुए प्रशासन को चाहिए था, लोकल नुमाइंदों को, जनप्रतिनिधियों को चाहिए था कि इसका इंतजाम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ना तो प्रशासन जागा और ना ही लोकल नुमाइंदे, यहाँ के सांसद और विधायक ने कोई ऐसी कार्रवाई की कि अगर बाढ़ कुरुक्षेत्र में आती है, कोई नदी नाला टूटता है तो उससे बचाव किया जाए। और उससे भी बड़ी बदकिस्मती कुरुक्षेत्र की और दीदारनगर की ये है कि यहाँ पर हर 5-7 साल के बाद लगभग बाढ़ आती है और इस तरीके से जान माल का नुकसान भी होता है। ये प्रभु की कृपा है कि इस वक्त कोई जान का नुकसान किसी का नहीं है, लेकिन सामान का नुकसान मैं सुबह 2 घंटे से यहाँ पर लगातार देख रहा हूँ कि तकरीबन हर गली में पानी भर चुका है और प्रशासन अब भी मौन है। अब भी उस ड्रेनेज सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, उसको बंद करने के लिए कोई अधिकारी मौका पर मौजूद नहीं है। और आप लगातार देख सकते हैं कि पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ से बढ़ रहा है। आप इसमें देखिए, पिछले चौक में जाएंगे, पिछले चौक में भी मैं गया हूँ, वहाँ पर भी 3 तरफ से पानी आता है। तो आखिर सरकार है कहाँ, प्रशासन है कहाँ, और क्या लोगों की जान माल से खिलवाड़ करने के लिए सिर्फ सरकार बनती है? ना लोकल नुमाइंदे का पता है। पता ये चला है कि 2 दिन पहले विधायक और सांसद जहाँ पर यह ड्रेन टूटी हुई है वहाँ पर फोटो सेशन करवा करके मोदी जी की तरह से और चलते बने। अगर 2 दिन पहले इस पानी का रोकने का इंतजाम किया होता तो मेरा ये मानना है कि इस वक्त तबाही का मंजर यहाँ पर नहीं होता। लेकिन हाल फिलहाल हम फिर प्रशासन से गुजारिश करते हैं और ये मांग भी करते हैं कि तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रशासन को, चाहे इसमें लोगों को साथ लिया जाए, सामाजिक संगठन इसमें तैयार खड़े हैं। आज भी मैं देख रहा था, अभी मैं घूमा हूँ पूरे कॉलोनी में, यहाँ पर भी जो लोग हैं वो सहायता करने के तैयार हैं। ट्रैक्टर ट्रालियाँ लोग अपने लेके घूम रहे हैं सामान निकालने के लिए। लेकिन अब सोचती है कि प्रशासन की तरफ से कोई पहल यहाँ पर नहीं है, तो प्रशासन को जागना चाहिए, लोगों की जान माल का ख्याल करना चाहिए और सबसे पहले तो इस पानी के बहाव को बंद करना चाहिए। जी, ये थे लक्ष्मीकांत शर्मा कांग्रेस नेता, और इनका कहना है कि ये समय राजनीति करने का नहीं है। इस दुख की, इस आपदा की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं, एक बार आप उठ करके लोगों के बीच में आइए और इस समस्या के निदान के लिए कार्य कीजिए। हम तन मन धन से आपके साथ खड़े हैं।